हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल ये वीडियो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी का कंटिन्यूस पार्ट है लास्ट पार्ट है जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ सो इंट्रोडक्शन एंड कॉस्टिंग जो भी लैप्रोस्कोपी का और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों का मुझे लगा था ये दोनों का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है तो अगर किसी से अगर मिस हो गया हो या अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दे, 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 दे दे रही हूँ So, uh, जब मुझे सर्जरी uh, के लिए मुझे uh, बुलाया गया था तो एक दिन पहले मुझे आफ्टर टेन पी एम नाइट को डिनर के डिनर दस बजे तक कर लेना था एंड रात बारह बजे के बाद कोई भी मील एंड कोई भी पानी पानी वगैरह नहीं पीना था एंड रात को डिनर के बाद मुझे मेडिसिन uh, दिया गया था ताकि नेक्स्ट डे पेट कम्प्लीटली क्लियर हो तो आ, वो होने के बाद मुझे पीरियड के एक्चुअली तो तो जो सर्जरी का डेट था वो हमारे पीरियड के सेवेंथ डे पे था तो मैं सुबह सुबह नौ बजे मुझे बुलाया गया था मैं सुबह सुबह नौ बजे तक पहुंच गई थी देन सारे पेपर वर्क्स होने के बाद मुझे आ, जो रूम दिया गया एक प्राइवेट सा रूम था जिसपे दो बेड थे एंड वॉशरूम सारे अटैच था अच्छा अच्छा रूम था एंड उसके बाद मुझे गाउन दिया गया था और मेरे जितने भी ज्वेलरी बॉडी पे कोई भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए वो सारे रिमूव करने के बाद सारे कपड़े जो भी है इनर वगैरह सारे रिमूव करने के बाद वो गाउन पहनना रहता है गाउन पहनने के बाद नर्सेस आई एंड उन्होंने मुझे ड्रिप लगाने के लिए जो हाथ की नस पे इंजेक्शन सीरीज का जो इंजेक्शन इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं और मुझे ड्रिप चल चढ़ जाता है बड़ा सा जो ड्रिप आता है वो चढ़ते रहता है वो एक्चुअली इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं और कोई मिल भी नहीं रहता है सुबह से खाली पेट भी रहता है तो बॉडी में वीकनेस ना हो तो इसलिए दिया जाता है वैसे प्यास वगैरह तो नहीं लगता है और भले हम हमारे वो मन में रहता है कि हम कुछ खाए नहीं है बट थोड़ा सा वीकनेस जैसा बॉडी में नहीं रहता है बॉडी में जितनी भी सब कुछ पानी की मात्रा ये वो जो भी रहती है सब रहती है वो ड्रिप के थ्रू ही रहती है फिर एक नर्स आती है और वो कुछ इंजेक्शन देती हैं पता नहीं वो अगर वो टेस्ट के लिए देती हैं या कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो इंजेक्शन दे के उस पर फिर मार्क करके टाइमिंग लिख दिया जाता है फिर कुछ टाइम बाद वो आके चेक करती है तो कि कुछ उसका रिएक्शन तो नहीं आया है वो कुछ पता नहीं उस इंजेक्शन का नाम क्या है वो और जो भी मेरा विटामिन या जो भी मुझे एंटीबायोटिक या कुछ भी देना हो हो रहा था तो वो स्लाइन पे ही दे दिया जा रहा था क्योंकि कोई भी सर्जरी पे बहुत सारे इंजेक्शन्स लगते हैं तो बार बार आ, देने से अच्छा है कि वो स्लाइन के जो आ, में जो ड्रिप जा रहा है उसी में दे दिया जाता है फिर मेरा सर्जरी हुआ था करीब एक दो बजे तो मुझे मेरा एक स्लाइन चढ़ा एक ट्रिप पूरा चढ़ा उसके बाद नेक्स्ट वाला वो ख़त्म हो के नेक्स्ट भी चढ़ा तो आधा आधा भी नहीं आई थिंक थोड़ा सा ही चला था तो फिर मेरा मेरा नंबर आ गया था और नर्स आई थी और उन्होंने मुझे वॉशरूम करने के लिए कहा था वॉशरूम क्लियर होने के जाने के बाद फिर मैं गई थोड़ा तो डर लग रहा था बट ठीक है मैं तो बस यही सोच रही थी कि जो भी हो अब बेहोश कर बेहोश करके होने हैं जो भी होने का होगा हो बट मुझे भगवान करे बस मुझे कुछ ना हो और मुझे हिम्मत दे बस यही मेरे मन में चल रहा था मेरे मुझे सेकंड फ्लोर पे बेड हम रेस्ट रूम जो था वो था और फर्स्ट फ्लोर पे ओ था तो ओ का तो ऐसे रहता है थोड़ा भयानक सा जैसा बोलते हैं डरावना सा रहता है बड़े बड़े लाइट रहते हैं बड़ा सा बहुत बड़ा सा राउंड सा लाइट रहता है फिर जो मशीन्स रहते हैं उसे देख के थोड़ा तो डर लगता है तो जैसे ही मैं गई जा रही थी तो हस्बैंड को बोला कि ठीक है डरो मत मैं तो नहीं कह रही थी कि डरो मत बट मैं पता नहीं मुझे थोड़ा डर रहता है बट चलो मैं अकेले जब रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ तो मैं गई नीचे फिर तुरंत मुझे ओ टी ले जाया गया लेटा दिया गया एंड वहाँ जो एनेस्थिसिया देने के लिए जो डॉक्टर थे वो थे और कोई कोई नर्सेस थी एंड लैब बॉय वगैरह जो थे तो उन्होंने मुझे लेटाया हाथ पे वो बीपी मशीन का वो लगाया बीपी पी करने के लिए और हाथ पे फिंगर पे भी हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए वो भी लगा दिया और फिर नर्स आई और मैं मेरे वही हाथ पे इंजेक्शन जो ड्रिप का जहाँ लगा हुआ था उसी पे एक इंजेक्शन एक बेहोशी की इंजेक्शन दिया और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हें नींद आने लगेगी और एक दो तो सेकंड के बाद मुझे जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझे ऑक्सीजन का जो मास्क होता है वो लगाया और कहा कि अब तुम्हें नींद आ जाएगी और ऐसा बोलते बोलते मुझे धुंधला धुंधला सा दिखते लगा और मैं सो गई फिर मुझे कुछ याद नहीं है फिर सारा प्रोसीजर वग़ैरह जो था वो सब हो गया Uh, करीब प्रोसीजर एक्चुअली ज़्यादा देर का नहीं क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे केस में क्या था कि डायग्नोस्टिक करना था कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण मुझे कंसीव नहीं हो रहा है अगर कुछ इशू रहता तो फिर वो सर्जरी वगैरह किया जाता बट मेरा कोई इशू नहीं था बस चेक करना था कि जैसा मेरा अनएक्सप्लेन था तो अनएक्सप्लेन में ये सारा जो जो रहते हैं टेस्ट ये सब चलते रहते हैं तो वो सब होने के बाद मतलब आई थिंक एक डेढ़ घंटे बाद डेढ़ घंटे बाद मैं आ गई दो बजे तक आ गई दो बजे आने के बाद मैं नॉर्मल ही थी मुझे रेस्टरूम में लाया गया मैं अपने से नहीं उठी मुझे उठी के बाद जब मुझे होश आया तो मैं जब मेरे ऊपर चादर चढ़ा हुआ था ऐसे बोलते हैं सर्जरी के बाद जो भी इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उसके बाद थोड़ी ठंड लगती है तो ऐसे मुझे ठंड नहीं लग रही थी बट बर... मेरी चादर चढ़ी हुई थी और मैं देख रही थी कि क्लीनिंग वगैरह हो रहा था वो होने के बाद मुझे स्ट्रेचर पर लेटा करके वो रेस्ट रूम में ले आ गया वहाँ पे बोला गया कि आप आराम से रेस्ट करो कोई दिक्कत होगा तो फिर नर्सेस बीच बीच में आते रहती है चेक करने को तो दो बजे से फिर मुझे एक दो घंटे चार बजे करीब डॉक्टर आए थे विजिट पे राउंड पे तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कुछ लग रहा है तुम्हें कुछ पेन हो रहा है या कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है तो मुझे कुछ वैसा लग नहीं रहा था ना ही प्यास लग रही थी ना कुछ भी नहीं लग रहा था बस मुझे आवाज़ थोड़ी बात करने में पता चल रहा था कि मैंने ये थोड़ी वीक है या कुछ इशू है वैसा बस ऐसा नहीं तो कुछ नहीं और डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि क्या क्या है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है या नहीं है वो सारा कुछ बता करके बता दिया कि आप, आप कुछ देर बाद आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो फिर करीब छः साढ़े छः बजे नर्स आई और उन्होंने मुझे पहले एक सिप पानी पीने को कहा पहले वो पानी पीने के बाद अगर तुम्हें कोई वॉमिटिंग या कुछ इशू नहीं होता है तो फिर तुम आधा गिलास जैसा पानी पी सकती हो <laughs> तो मैंने पानी पिया मुझे कुछ इशू नहीं हुआ सब कुछ ठीक था तो फिर आधा आधे घंटे बाद साढ़े छः सात बजे करीब मैंने आधा घ पानी पिया उसके फिर और आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ लिक्विड ले सकते हो लाइक जूस ले सकते हो या नारियल पानी तो मैंने नारियल पानी ही लिया था सात बजे करीब मैंने पूरा एक बड़ा सा जो नॉर्मल का आता है नारियल पानी तो वो मैंने पूरा पिया और इस बीच में डॉक्ट जो असिस्टेंट डॉक्टर है वो आ रही थी और मेरा बी वगैरह चेक करके जा रही थी और जो भी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन उस ड्रिप पर लगते जा रहे थे फिर करीब साढ़े सात बजे मैंने फिर नारियल पानी पीने के बाद मुझे बोला गया कि आप वॉक भी कर सक, मैं मुझे मन कर रहा था कि मैं वॉक करूं क्योंकि ऐसा ना हो कि पेन हो रहा हो या वैसा कुछ तो फिर मैंने वॉक किया वॉक करने के टाइम पे मैंने देखा कि मेरे कितने कट मार्क लगे थे तो एक नाभे के ऊपर में एक कट मार्क था एंड एक साइड साइड में कट मार्क था आई थिंक मेरे में दो लगे थे एक नाभिक के ऊपर में तो वो रहता है क्योंकि गैस भरते हैं तो उसके वहाँ पे वो और कैमरा भी लगा रहता है तो उसलिए और और एक टाका रहता है वो आ, सर्जरी के लिए अगर और एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो आई थिंक मेरे दो टाके थे मुझे याद नहीं आ रहा है दो या तीन टाके थे तो और उस पर वाटर प्रूफ वाला एक कवर लगा दिया गया था तो वो भी स्टेच नॉर्मल सा रहता है वो कोई पेन वेन ऐसा कुछ भी नहीं होता है मे भी जिनका एंड्रोमेट्रियोसिस का इश्यू रहता है वो सब में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी और आफ्टर फिर सब कुछ मेरा ओके होने के बाद मुझे साढ़े नौ बजे तक डिस्चार्ज दे दिया गया और कहा और कुछ कुछ मेडिसिन दिया गया और कहा गया कि आप रेस्ट करो और कोई हेवी सामान मत उठाना घर वर का सारा काम आप कर सकते हो बस थोड़ा झुकना नहीं है क्योंकि वन वीक के बाद थोड़ा उसे झुकने पे जो भी स्टिचिंग किया गया है तो स्टिचिंग नहीं एक्चुअली वो स्टेपल किया जाता है छोटे छोटे मार्ग के लिए स्टिचिंग नहीं करते स्टेपल करते हैं तो स्टेपल में भी उसे पेन हो सकता है बाकी मैं साढ़े नौ तक फिर आ गई घर उस दिन मैंने नॉर्मल सा गीला डाइट लिया था मतलब खिचड़ी खाया था फिर थोड़ा सा वो क्योंकि कुछ खाया नहीं रहता है तो पेट थोड़ा नेक्स्ट डे भी क्लियर नहीं होने हो सकता है मे कि थोड़ा सा वो रहता है एंड ऐसा कुछ लगता नहीं है बस थोड़ा चेस्ट पे वो क्योंकि गैस भर भरते हैं लेप्रोस्कोपी के दौरान तो वो जब गैस निकलने के बाद थोड़ा चेस्ट में लगता है कुछ अनकम्फर्टेबल जैसा गैस लगता है चेस्ट साइड रहा है वो मुझे उस दिन ही लगा था नेक्स्ट डे धीरे धीरे वो चला जाता है बाकी वो एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं तो उससे वन वीक में सब ओके हो जाता है तो जैसा कहते हैं कि बेड रेस्ट का ज़रूरत है मुझे मेरे केस में तो नहीं है दो तीन दिन बेड रेस्ट आप कर सकते हैं बट मैं मैंने सिर्फ उस दिन बेड रेस्ट किया था और नेक्स्ट डे मैं नॉर्मल रूटीन जैसा था बस मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था कुछ बाहर से इडली खा लिया था वो भी मुझे एकदम टेस्ट नहीं लग रहा था बाकी नॉर्मल जो भी मैं पुणे में रहती हूँ तो पुणे में मैं हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं तो दो लोग के हिसाब से मैं नॉर्मल जो भी घर का रूटीन होता है वो सब करती थी तो अगर किन्हीं को भी मैं पुणे से मैंने अपना सर्जरी मेरा सर्जरी नहीं मैं सारा ट्रीटमेंट यहीं से करा रही हूँ तो किन्हीं को अगर कोई पुणे से है तो अगर किन्हीं को चाहिए मैं जिस डॉक्टर से करा रही हूँ डॉक्टर काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं तो अब आप मुझसे कंसल्ट कर कर सकते हैं सो थैंक यू एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू